लेकिन मैं बार बार हर वीडियो में कुछ वाक्यों को दोहराता हूँ स्टूडेंट्स कि आखिर जो है हम लोग पढ़ाई स्टडी क्यों करते हैं, एक अच्छा जॉब लेने के लिए। जॉब लेने के लिए आपको कंपटीशन में जाना ही होगा। तो अगर हम अभी जो गोल्डन समय है इसको अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ, जब वो एग्जाम देने जाते हैं गेस्ट पेपर खरीदते हैं नोट्स को रट लेते हैं लिख लेते हैं चले आते हैं। ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, बल्कि करना क्या है, देखिए आप सबसे पहले सुबह उठिए। अगर सुबह नहीं उठते आप 8 बजे उठते हैं 7 बजे उठते हैं उस आदत को मत बदलिए, क्योंकि आदत को बदलना आसान नहीं है। आप जैसा भी दिनचर्या करते हैं अवसर दीजिए। देखिए बहुत स्टूडेंट होते हैं सुबह उठ जाते हैं, बहुत स्टूडेंट जो है देर रात तक जगते हैं 2 बजे 3 बजे तक जगते हैं, और वो क्या करते हैं 2 बजे 3 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चलाते हैं। कुछ लोग स्टडी भी करते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन भी करते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना बजे उठ सकते हैं, क्योंकि एक बात एक कहावत आपने सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। यस स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले अगर आप सुबह उठने के जब भी उठते हैं सबसे पहले अपने माइंड का प्रोग्रामिंग, मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि आप जो भी स्टडी करें उसमें आपका माइंड शामिल होना चाहिए। जब आपका माइंड शामिल होगा तभी वह स्टडी अच्छी तरह से हो पाए। अगर आप रट लेंगे और उसमें माइंड शामिल नहीं है तो वह स्टडी जो है थोड़े समय के लिए होगी फिर आप उसे भूल जाएंगे, और जो स्टडी आप माइंड को शामिल करके करेंगे वह कभी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको पढ़ने का मेन मकसद है स्टूडेंट्स जॉब लेना, अच्छा लाइफ जीना, ना कि डिग्री लेना ना परसेंटेज लेना, उससे आपको पैसे नहीं आएंगे। जब तक आप अपने ऑनर्स पेपर के एक एक लेसन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके 80 से 90% मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। और 80 से 90% मार्क्स नहीं आएंगे तो हमारा रिजल्ट ग्रेजुएशन का अच्छा नहीं होगा, हमें नॉलेज भी नहीं होगा, इसीलिए सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में कैसे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जब भी उठते हैं सुबह उठते हैं तो सुबह स्थिति कीजिए, क्योंकि सुबह में जो है हमारा माइंड जो है फ्री रहता है खाली रहता है, उस समय कुछ भी हम व्हाट्सएप फेसबुक न कोई दोस्त मिलने आते हैं न कुछ होता है। सुबह 4 से 5 का समय का बात कर रहा हूँ, इस समय उठते हैं तो आप अपने इस समय सबसे पहले आप दिन भर का एक प्रोग्रामिंग दीजिए, वो समय पढ़ाई के लिए आपका सबसे अच्छा क्या समय हो सकता है आपसे अच्छा स्टूडेंट कोई भी नहीं जान सकता। आई एम राइट या रॉन्ग आप कमिट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपको कब पढ़ना है, कौन सा समय आपके लिए सबसे अच्छा रहता है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं, अपने मन को लगा सकते हैं उस स्टडी में, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। इसीलिए 24 घंटे का एक दिन होता है, कम से कम 4 से 5 घंटा आप स्टडी के लिए निकालिए, माइंड को अपना दिशा निर्देश दीजिए कि आपको दिन भर में पढ़ना क्या है। अब पढ़ना कैसे है स्टूडेंट्स, क्योंकि बुक तो आपके पास है नहीं, हो सकता है नोट्स भी ना हो, लेकिन सिलेबस तो जरूर होगा आपके पास, सिलेबस होगा। आज मैं एक आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, मैं हिस्ट्री के सिलेबस का दिखा रहा हूँ। देखिए आप तैयारी कैसे करेंगे, आपको हम बहुत अच्छा से बता रहे हैं, अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको हम बता रहे हैं आपका ऑनर्स पेपर में 80% से आने से कोई नहीं रोक सकता। यस स्टूडेंट्स, देखिए हिस्ट्री में एक लेसन है प्राचीन भारत का इतिहास, ये 4-1 का बता रहे हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, आप जिसकी ऑनर्स के हैं मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 4-1 में सेमेस्टर 1 में एक लेसन है प्राचीन भारत का इतिहास। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास को अपने माइंड में नहीं डालेंगे, क्या करेंगे एक नोट्स खरीदेंगे किसी से 500-600 रुपया में प्रोफेसर से, क्या खरीदेंगे नोट्स खरीदेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है ना उसको पॉइंट सबको रट लेंगे, बस यही करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, एक गेस्ट पेपर खरीदेंगे, अलका क्या क्या आता है मुझे याद नहीं है, अलका आता है मैं जानता था, मैं जब इंटर कर रहा था 1992 में तो अलका गेस्ट पेपर चलता था, क्या क्या यूनिवर्सल फिलिवर्सल बहुत सारा आ गया है। अगर नोट्स नहीं है तो पासपोर्ट लेंगे। अब बताइए स्टूडेंट, सेमेस्टर 1 में है आप, देखिए आपको पढ़ना है हिस्ट्री के स्टूडेंट से प्राचीन भारत का इतिहास, लेकिन आप इससे तैयारी कर रहे हैं
क्या इससे आपका माइंड जो है इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ पाता है? आपका माइंड जो है इस प्राचीन भारत को नोट्स के द्वारा, गैस पेपर के द्वारा, पासपोर्ट के द्वारा अच्छी तरह से समझ पाता है? आप इसमें एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, आपका मार्क्स भी आ जाते हैं 70%, लेकिन क्या ये जो आप एग्जाम में 70% लाए, जब आप नौकरी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो क्या ये याद रहता है? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपने प्राचीन भारत को डिटेल में नहीं पढ़ा। देखिए, आपका सेमेस्टर वन में है एक सिंधु घाटी सभ्यता, हम बताएंगे कैसे पढ़ना है आपको, ये बताएंगे कि आपका पढ़ाई जो अभी आप पढ़ रहे हैं बीएससी में, जब आप कंपटीशन के एग्जाम में, नौकरी के एग्जाम में, अपने सपनों को पूरा करने के एग्जाम में जब आप बैठेंगे स्टूडेंट्स, ये पढ़ाई जो है बीए का, आपको उसको पूरी तरह से मदद करना चाहिए, ना कि परसेंटेज मदद करना चाहिए, बल्कि जो नॉलेज आपने इस 3 साल में बीएससी में अर्जित किया, वो नॉलेज आपको जो आगे जॉब दिलाने में हेल्प करना चाहिए, पढ़ाई ऐसे करना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स आइए हम लोग चलते हैं, एक है सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोगों ने देखा होगा इसकी जो ऑनर्स रखे हुए हैं उनका फोरवर्ड में है सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हम पूछ बैठे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, आपका एक महीना बाद एग्जाम है, आप बता रहे हैं 100 में से 90 लोग जवाब नहीं दे पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। I am right, you are wrong students. क्यों? क्योंकि आपने डिटेल में नहीं पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पढ़ा ये भी आप नहीं जानते, क्योंकि आप जानते हैं एक हड़प्पा सभ्यता आपने सुना होगा। ठीक है, मैं अभी बहुत डिटेल में समझाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज शुरू हुई, खोज किसकी शुरू हुई थी, इतिहासकार किस सभ्यता की खोज शुरू कर रहे थे? हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन इसका जितना भी अवशेष मिला वो किस नदी के किनारे मिला? सिंधु नदी के किनारे। 1500 जगह पर खुदाई किया गया था, सिंधु नदी के किनारे में 1500 जगह पर खुदाई किया गया, जिसमें 1300 जो जगह था ये किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के आसपास। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो है ये आप डिटेल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, तब सवाल उठती है कि हम डिटेल पढ़ेंगे कैसे। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं कि ये प्राचीन भारत का इतिहास जो कि हमारा सिलेबस है, तो डिटेल में पढ़ना है। मैंने आज वीडियो में कहते हैं स्टूडेंट्स कि आपका YouTube कौन, YouTube सबसे बड़ा टीचर है। आप YouTube में जाइए, प्राचीन भारत का इतिहास टाइप कर दीजिए, देखिए 3 घंटे का वीडियो मिलेगा। मैं आपको वादा करता हूँ आप 3 घंटा इस वीडियो को देख लेंगे ना हेडफोन लगाकर, अपने माइंड को शामिल करके, तो आप प्राचीन भारत के इतिहास से चाहे हड़प्पा सभ्यता का हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का हो, चाहे कांस्यकालीन सभ्यता का हो, कांस्यकालीन युग हो, ताम्रकालीन युग हो, सारा चीज का आंसर आपको समझ में आ जाएगा। इतना करने के बाद जब आप वीडियो देख लेते हैं, स्टूडेंट विजुलाइजेशन देख लेते हैं, अपने सिलेबस का जो भी लेसन है आपका, उसका वीडियो जाके यूट्यूब पर हेडफोन लगाकर देखिए, और वो देखते समय आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जो भी है आपका सोशल मीडिया अकाउंट वो बंद होना चाहिए, और उसमें पूरा अपने दिमाग को वीडियो को देखने में शामिल कीजिए। क्योंकि जब आपके दिमाग को जानकारी जाएगा ना, वह लंबे समय तक जाएगा, जब जो हम वीडियो में देखते हैं ना, विजुलाइजेशन जो होता है वो सीखने का और याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। यस स्टूडेंट्स, इसलिए विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप वीडियो देखिए, आप सर वीडियो तो देख लिए सर, अब कितना नंबर है, कितना लंबा आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, वो कैसे, वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास नोट्स नहीं हो, गैस पेपर नहीं हो, पासपोर्ट नहीं हो, बुक नहीं हो, आपके क्लासेस नहीं हो, फिर भी आप इस 1.5 महीने में अपने बीए बीएससी के सेमेस्टर 1-3-6 का तैयारी कर सकते हैं। क्या हुआ, आपने प्राचीन भारत का इतिहास 3 घंटा अपने माइंड को शामिल करके हेडफोन लगाकर कान में आपने देख लिया। अब देख लिया तो आपके दिमाग में तरी ये चीज है, समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं है। अब क्या करना है, गूगल में जाना है। अब आपको कहाँ जाना है, गूगल में, और लिख दीजिए प्राचीन भारत का इतिहास, इसी चीज को गूगल में बोल दीजिए। वहाँ माइक लगा हुआ है ना, गूगल में माइक्रोफोन का निशान आता है, उसको दाब के बोल दीजिए प्राचीन भारत का इतिहास स्टडी नोट्स। देखिए बहुत सारे नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, आप हिंदी कर लीजिए गूगल में, हिंदी में आ जाएंगे।
अब आप देखिए नोट्स में कैसे लिखा गया है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है 3 घंटा वीडियो देखा तो बहुत कुछ समझ में आ गया। उसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, आप वही चीज पाएंगे जो आपने वीडियो में देखा था। तब आपका ब्रेन समझ गया क्या है, कैसे है, क्या लिखना है। तब क्या करना है स्टूडेंट, जब आप वीडियो देख लिए, आप गूगल से क्वेश्चन का आंसर देख लिए कि प्राचीन भारत के इतिहास से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं देखना चाहते हैं तो आपने यूनिवर्सिटी का पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, हिस्ट्री सेमेस्टर 1-4-1 का किस तरह का क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा जाता है वो देख लिया। आंसर कितने शब्दों में लिखना है, आंसर 1500 शब्दों में लिखना है, 600 शब्दों में लिखना है, देखिए आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। जब आप पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखना लिखा हुआ रहता है। जब आप वीडियो देख लिए, नोट्स पढ़ लिए, तो स्टूडेंट्स इतने में काम नहीं होगा, अभी मेन काम बाकी है। अभी मेन काम बाकी है, मेन काम क्या है, उस नोट्स को लिखना, उस नोट्स को जो आपका दिमाग समझा उसको लिखना। कैसे लिखना, क्या गूगल के नोट्स को देख के लिखना, नहीं, गूगल के नोट्स को देख के नहीं लिखना। क्या यूट्यूब पे वीडियो को देख के लिखना, नहीं, यूट्यूब के वीडियो को भी देख कर नहीं लिखना। तो कैसे लिखेंगे सर, स्टूडेंट्स आपके बोला ना पिछले साल का क्वेश्चन है, आप देखो प्राचीन भारत के इतिहास की विशेषताओं को बताए, आप विशेषता वीडियो देखे तो आपको समझ गए इसका क्या क्या विशेषता था सारा चीज, उसको आप अपने दिमाग जो समझा ना उसको लिखिए। क्योंकि आप देखिएगा, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, सर देखिए बदमाश वीडियो बोलते हैं, अरे इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम नहीं समझ रहे हो, आपको शौक नहीं है तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोलने का। ये वीडियो अगर तुम्हारे तक पहुंची है तो इसके लिए जरूर है कि ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हें आज कोई सही मार्ग दिखाने वाला है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का उठा के देख लीजिए, आपका मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, उसमें लिखा रहता है परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, अपने शब्दों में, या ही लगाया है, देखिए ही उत्तर दें। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्वेश्चन का सबसे पहला लाइन है, आप समझिए। देखिए अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, इन छोटी छोटी बातों को समझना होगा स्टूडेंट। ऐसा क्यों हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, क्यों न बोल रहा है गेस्ट पेपर के शब्दों में, न बोल रहा है फाइनल नंबर आपका गेस्ट पेपर के शब्दों में दीजिए, किस लैंग्वेज में आप आंसर दीजिए, ऊपर के ऊपर के लैंग्वेज जवाब आंसर देंगे, आपका मार्क्स आएगा 60 से 70। और आपको चाहिए कितना, 80 से 70 आ रहा है 70-80%, लेकिन आप बुक से देंगे और किताब से देंगे तो 60 से 70 ज्यादा से ज्यादा आएगा। आपका राइटिंग अच्छा होगा, आप अच्छी तरह से रिजल्ट सजा के लिखेंगे तब ये मार्क्स आएगा। लेकिन आप जब ब्रेन से लिखेंगे, समझ के लिखेंगे, तो सबसे पहले तो ये मार्क्स आ गए, यथासंभव जब अपने शब्दों में उत्तर देते हैं ना, तब प्रोफेसर को कॉपी चेक करता है ना, उससे आप बातचीत करते हैं, आप सिर्फ आंसर लिख के नहीं आते, आप उस आंसर से प्रोफेसर से बातचीत करते हैं, और वो प्रोफेसर जब बातचीत करते हैं तो आपको जो है 20 नंबर है ना आपका क्वेश्चन में 20 मार्क्स है, 20 नंबर दस देता है, 20 मार्क्स है उसमें तुरंत आपको दे देगा 18-19, क्योंकि आप प्रोफेसर से अपने लिखावट के द्वारा बात किए, लेकिन जब आप गेस्ट पेपर और बुक के भाषा में लिखेंगे तो ये चीज नहीं होता है। इसीलिए क्वेश्चन लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। स्टूडेंट से बहुत सेकेंड बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन ये बात आपको नहीं बताया गया और किसी भी वीडियो में, क्योंकि ये 80% और 90% लाने का राज है। अगर आप बी ए बी एस सी के स्टूडेंट्स हैं एंड 9th-11th के स्टूडेंट्स हैं और अपने रिजल्ट में 80 से 90% अपने ब्रेन से लाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जो भी आंसर तैयार करते हैं अपने शब्दों में तभी दे सकेंगे जब उस सब्जेक्ट को आपका ब्रेन समझेगा। जब तक आपका ब्रेन उस सब्जेक्ट को नहीं समझेगा, आप अपने शब्दों में आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए स्टूडेंट्स कोई टाइम टेबल नया बनाने की जरूरत नहीं है, आपको 4 से 5 घंटे स्टडी करना है,
स्टडी में सबसे पहले आपको सिलेबस का वीडियो लेसन देखना है, वीडियो लेसन देखने के बाद गूगल से नोट्स का मॉडल देखना है कि मॉडल कैसा होता है, पिछले साल का क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, नोट्स देखने के बाद आपको लिखना है। अगर आप लिखते नहीं है तो सोच लीजिए आपने ये जो तीनों काम किया ये बेकार है। आपको लिखना है, आ रहा है मेरी बात समझ में? आपको लिखना है नोट्स को, घर में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको नहीं पता है स्टूडेंट्स, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, राज की बात बता रहा हूँ जो आपको किसी भी वीडियो में, यूट्यूब में हजारों वीडियो पड़े हुए, लाखों वीडियो पड़े हुए एजुकेशन से, लेकिन जो मैं आज आपको बात बता रहा हूँ वो चीज समझिए। क्योंकि आप पढ़ाई कीजिए तो 100% कीजिए। आपको राइटिंग करना, क्या करना है? राइटिंग, लिखना है। जो भी नोट्स का वीडियो देखते हैं, नोट उसका नोट्स का सैंपल देखते हैं, उसको अपने ब्रेन से लिखना है, न कि कॉपी करके। नोट्स को देखिए किस तरह का नोट्स लिखा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसको क्या करना है? अपने शब्दों में बना के लिखना है। इंग्लिश के स्टूडेंट में इंग्लिश में लिखना है, सोशोलॉजी के स्टूडेंट है तो समाज के बारे में सोशोलॉजी में लिखना है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो पॉलिटिकल साइंस में लिखना है। सबका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है और फिगर के साथ अवेलेबल है, क्योंकि दिमाग दिखाएगा। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियो देखिएगा ना तो फिगर में दिखाया है कि नाला कैसा था, भवन कैसा था, आपका प्रेम उस चीज को समझ जाता है।